हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आज आपके साथ ब्रेड पकौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाहर हमारे यहाँ बाहर बारिश हो रही है, शाम का समय है और ठंड का भी मौसम है, तो रजाई में घुसकर या जैसे भी स्वेटर पहनकर घर में पकौड़े गर्म गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो उसकी बात ही क्या है। तो मैंने सोचा चलो आज ब्रेड पकौड़े बनाते हैं शाम के स्नैक्स में। तो देखिए, उसके लिए मैंने 4 पीस ब्रेड ले लिया है और इसे इस तरह से बीच से ट्रायंगल शेप में काट लिया है, कट कर लिया है 4 पीस ब्रेड को। नमक, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक का थोड़ी सी हाफ टी स्पून पेस्ट लिया है। ये ऑप्शनल है, यदि आप बच्चों को नहीं बना रहे तो नहीं भी डाल सकते। हाफ टी स्पून हमने सोडा ले लिया है और ये कप से, मेजरिंग कप से 1 कप बेसन हमने ले लिया चने दाल का। तो चलिए, इसके सबसे पहले हम इस बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसमें इसे डाल देते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी, 1/3 हमने ली है लहसुन मिर्च की पेस्ट। इसे डालने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, जितने आपके पास बेसन हो। तो मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और ये जो सोडा हमने लिया है 1 पिंच, इसे डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं पहले इस तरह से। उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालकर हम इसका बैटर तैयार करेंगे पकौड़े के लिए, बिल्कुल गाढ़ा घोल। कढ़ाई में तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे फटाफट रेडी कर लेते हैं। अब बारिश के मौसम में पकौड़े का मज़ा ही कुछ और होता है फ्रेंड। आपको आवाज़ आ रही होगी, बाहर काफ़ी बारिश हो रही है और ठंड भी काफ़ी है, तो इसे फटाफट बनाइए और खाइए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एकदम 5 मिनट में बन जाती है। इसे मिक्स कर लिया हमने, तो चलिए इसे थोड़ी थोड़ी पानी डालकर इसका बैटर तैयार करते हैं। देखिए, 1 कप हमने पानी लिया है, एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ी सी डालेंगे। इसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिक्स करेंगे ताकि हमारे बेसन में थोड़ी भी गुठलियाँ ना पड़े। एक साथ यदि आप पानी ऐड करेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो चलिए, इसका पहले बैटर, बिल्कुल सेमी थिक बैटर हम इसका तैयार कर लेते हैं। देखिए, इस तरह का बैटर हमने तैयार कर लिया है, बिल्कुल गाढ़ा हमें घोल तैयार करना है ब्रेड पकौड़े के लिए। और इस घोल को तैयार करने में हमें 1 कप, मेजरिंग कप से 1 कप और थोड़ी सी पानी हमें लगी है इतनी बैटर में। तो चलिए, इसके ऑयल हमने गरम कर लिया है, चलिए इसके पकौड़े बनाते हैं। देखिए, एक लोहे की कढ़ाई को हमने गैस जलाकर उसमें रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए, और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऑयल हमारी गर्म हुई है या नहीं। ऑयल हमारी सही गर्म है, ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा हमने डालकर देख लिया। तो चलिए पकोड़े बनाते हैं। देखिए, ब्रेड के 2 पीस को हमने ले लिया, इसे इसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे डिप करना है हमें। देखिए, और एकदम आहिस्ते से इसे हमें ऑयल में डाल देना है। ऑयल हमारा इतनी ही गर्म होनी चाहिए, ना अधिक ना कम। दो पीस हमने डाली है, 2 पीस को ही पहले रेडी कर लेते हैं, उसके बाद और डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से भी पक जाए, ऊपर से भी गोल्डन हो जाए। फ्रेंड्स, लोहे की कढ़ाई मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि लोहे की कढ़ाई में कोई भी चीज़ फ्राई करने से उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। आप देखते होंगे हलवाई वगैरह लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए, इसे देख लेते हैं कि ये दूसरी तरफ से पकी है या नहीं। पलट लिया हमने, हल्की ब्राउन हो गई है, इसे भी पलट लेते हैं और पलट के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम तल लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये फूल कर रेडी हुई है और काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। फ्रेंड्स, बाहर बारिश हो रही है, इसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। चलिए, इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर में इस तरह से कढ़ाई पर इसे रोक लेंगे थोड़ी सी, ताकि
ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही हमारी रह जाए। एक टिश्यू पेपर पर आप से निकाल लीजिए। देखिए कितनी अच्छी बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी फूली है। तो चलिए और भी ऐड डाल देते हैं इसे। देखिए और 2 पीस हमने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। 4 पीस ही मैं आपको दिखा रही हूँ फ्राई करके, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, इसलिए 4 पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं, उसके बाद निकाल लेंगे इसे हम। देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। उसी तरह से हम इसे भी निकाल लेंगे, इस तरह से साइड में इसे रोक लेंगे छन्नी को, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल हमारी कढ़ाई में ही रहे। तो देखिए इसे हमने निकाल लिया है प्लेट में। अब चलिए मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आपको। देखिए इसे मैं धनिया की चटनी और केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, आप जिसके साथ भी इसे खा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला यदि आपको पसंद हो तो आप उसे भी डालकर खा सकते हैं। ऊपर से इस तरह से किसी भी पकौड़े पर यदि आप काला नमक ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए ये गर्मा गर्म पकौड़े हमारे तैयार हैं। मैं तो जा रही हूँ खाने, आप भी इसे फटाफट बनाइए और खाइए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हुई है और काफ़ी अच्छी बनी है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।